उनके किस तरीके से फॉर्म आपको फिलअप करना है और कैसे कैसे आप भरेंगे, पूरा डिटेल आपको नोटिफिकेशन आपको दूंगा। और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करूंगा वो भी मैं बताऊंगा। नोटिफिकेशन मैं आज आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए, 21/12/2022 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट 10/1/2023 है। और किस तरीके से फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल बताऊंगा। और एज जो लिमिट रखी कि 2/7/2004 है, 1/7/2007 के बीच में आप होंगे तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के फॉर्म के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, तो यहां पे क्लिक हेयर लिंक पे क्लिक करेंगे। सरकारी नौकरी रिजल्ट पे जैसे आते हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे रिजल्ट हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, लेटेस्ट जॉब। तो हम लेटेस्ट जॉब के बारे में, लेटेस्ट जॉब अर्थात हम लेटेस्ट जॉब पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। यूपीएससी एनडीए ऑनलाइन के फॉर्म पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद एक स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक न्यू पेज खुल के आ गया। न्यू पेज खुलने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दोस्तों यूपीएससी एनडीए। दोस्तों ये खुल के मेरा पेज आ गया और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब ये दोस्तों है यूपीएससी का फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, सारा इसमें पूरा डिटेल में हुआ। दोस्तों इसमें बता दूं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। और उसके बाद जैसे ओटीआर का फॉर्म भर देंगे, फिर उसके बाद आगे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यह पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा ओटीआर का फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर अभी है तो मैं अभी यहाँ फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी नाम होगा वो फिल कर लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर अभी फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों फिर उसके बाद आपका वेरीफाई नंबर नेम मांगेगा, तो रवि मेरा है तो रवि मैं फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे फुल नेम मांगा जा रहा है तो मेरा नाम रवि ही है तो मैं रवि ही फिल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करने के लिए कर, यहाँ मेल है तो मेल चूज कर लिए, फीमेल है तो फीमेल चूज कर लीजिए। यहाँ पे मेल है दो बार वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, कितनी उम्र है आपकी, तो मेरी जितनी उम्र है मैं डेट अपना चूज कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा आपकी डेट को वेरीफाई करना है दोस्तों। डेट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि इसमें दोस्तों ओटीआर का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जो भी आप डिटेल में फिल करेंगे, फिर उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर सावधानी पूर्वक फॉर्म को वेरीफाई करके फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर उसके बाद फादर नेम मांगा जा रहा है तो फादर नेम फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद फादर नेम वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है तो फादर नंबर फिर वेरीफाई कर लेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पर मदर नेम मांगा जा रहा है तो मेरा मदर नेम जो है मैं वो फिल कर लेता हूँ दोस्तों, आप भी अपना फिल कर लीजिए। फिर वेरीफाई मदर नेम पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों। वेरीफाई कर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि दोस्तों अगर एक बार गलत हो गया तो फिर दोबारा तो वेरीफाई करते समय अगर फिर वही डालेंगे तो आपका लेगा नहीं, इसलिए दोस्तों यह बता दें कि आप बहुत सावधानी पूर्वक से इस फॉर्म को ओटीआर को भरिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, यस या नो, माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जा रहा है, यस या नो पे क्लिक करें। अगर माइनॉरिटी है तो यस मारेंगे, नहीं तो नो मारेंगे। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, सॉरी दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है, ईमेल आईडी आप दे दीजिए जो भी अभी आपके पास ईमेल आईडी हो। मेरे पास ईमेल आईडी, मैं अपना चूज करके डाल देता हूँ। मेल आईडी मैं डाल दिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड, किस बोर्ड से आप पढ़े हैं उसका रोल नंबर डालना है दोस्तों। मैंने अपना रोल नंबर डाला। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आप प्राइवेट सब्जेक्ट रख सकते, कुछ अभी अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, मैंने चूज कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा से पूछा जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपकी जो भी आप चूज करना चाहते हैं चूज कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ अपना फेवरेट नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिलअप करेंगे, कैप्चर फिलअप कर लेते हैं। कैप्चर फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल ध्यान दीजिएगा, डॉट डिटेल आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा, नहीं तो फॉर्म को फिलअप करते से आपको प्रॉब्लम होगी, तो इस समय आप आगे संशोधन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर फिर अगर
कुछ भी आपको उसमें डिटेल गलत लगता है तो आप अपडेट वेब चेंज पे क्लिक करके और नहीं तो आप अग्री पे क्लिक करिए। मैं अग्री पे क्लिक करता हूँ जैसे कि मेरा सब से सब कुछ सही है। फिर उसके बाद आपके क्या होगा दोस्तों, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों पर ही ओटीपी जाएगा। ओटीपी से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्म आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा दोस्तों, मेरा ओटीपी आ चुका, मैं ओटीपी वेरीफाई कर रहा हूँ दोस्तों। आप ही अपना ओटीपी वेरीफाई कर लीजिए। ओटीपी जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पर देखिए आ गया ओटीआर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या ओटीआर से आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना पेस्ट करता हूँ ओटीआर नंबर। अगर ओटीआर नंबर आपके आप में नहीं आया है तो आप अपने मेल आईडी पे चेक कर लीजिए, अगर कॉपी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो मेल आईडी मैंने यहाँ चेक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना अभी अपने मेल आईडी चेक कर दोस्तों। मैंने ओटीआर नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे न्यू पेज खुल के आ जाएगा। न्यू पेज खुलने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिटेल आपने फिल की वो सही है तो आपको क्या करना है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप मेल फीमेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसमें दोस्तों। फिर इसके बाद आप पासवर्ड बनाना, पासवर्ड कैसा बनाना, पहले कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके स्मॉल होना चाहिए, फिर उसके बाद एक सिंबल होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जो भी न्यूमेरिकल नंबर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं दोस्तों। पहले जैसे कि मैंने AZM@1234555 तक मैं डाल लिया, उसी तरीके से आप भी डाल सकते हैं। जैसे कैपिटल ए हो गया, स्मॉल जेड हो गया, स्मॉल एम हो गया, @1234 कुछ भी डाल सकते हैं, 5 तक कुछ भी डाल सकते हैं, 4 तक भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों ओटीआर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपने पासवर्ड बना लिया, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको आगे का फॉर्म फिलअप करना है। कैसे, आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखिए क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके यहाँ पर देखिए यहाँ पर विदड्रॉल नोटिफिकेशन आ रहा है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। तो पहले आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं, देखिए अभी आपने कोई फॉर्म को फिलअप नहीं किया। एप्लीकेशन हिस्ट्री आ रहा है तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करिए, देखिए कोई भी एप्लीकेशन हिस्ट्री नहीं है। वेरी यहाँ पर दिया है फ्यू प्रोफाइल, फ्री प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा दोस्तों। पूरा प्रोफाइल आने के बाद यहाँ पर देखिए अपडेट एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जो भी आप फॉर्म भर को फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे अपडेट ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पे अपडेट करेंगे तो अपडेट नहीं होगा दोस्तों, वो सिर्फ दिया है, मैंने बहुत ही ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओवर देन ओटीआर के थ्रू जो भी फॉर्म आया है उसके बारे में बता रहा है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर न्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे वो देखिए खुल के मेरा आ चुका है, आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो चुका, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, कैसे फिलअप करना है आपको मैं आगे भी बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है, मैं कुछ समय बाद अभी आपको फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय।